क्या निकल गया पूरी जांच में, किस लिए इन्होंने अपहरण किया और कैसे बच्चे की बरामदगी हुई? 13 तारीख को, इस महीने की 13 तारीख को एक बच्चे आयुष का अपहरण कर लिया गया था और उसको फिर कहीं जाके लोगों ने छिपा दिया। पूरी चीज़ों में जो सामने बात निकल के आई वो ये थी कि वहीं के रहने वाले एक दीपांशु नाम का व्यक्ति है, उसने दो लोगों के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिया और जो अपहरित बच्चा हुआ था उसकी माँ से इन्होंने 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। फिरौती मांगने का तरीका ये था कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इन्होंने इंस्टॉल किया था और उससे जो है बिल्कुल आवाज़ और नंबर मॉडिफाई करके इन्होंने वहाँ पे कॉल की उनको, ताकि इस चीज़ को नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सके। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम को उसमें लगा रखा था और उसी दौरान ये जब ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आया तो इन लोगों ने उस बच्चे को छोड़ दिया और उसके बाद बच्चे से पूछताछ की गई और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि 3 व्यक्ति इसमें टोटल इन्वॉल्व थे, दीपांशु और 2 और व्यक्ति थे। इन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया और उस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक देने के बहाने ही लोग ले गए और वहाँ उसको फिर एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। इनको इस चीज़ की, जो इसका मुख्य मास्टर माइंड है दीपांशु, इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी थी कि जो अपहरित बच्चा था उसके जो पिता हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के जुए सट्टे का भी काम करते हैं, तो कहीं उनको कुछ हेवी अमाउंट मिला हुआ है हाल में ही, उस वजह से ही इसने 20 लाख रुपए मांगे और इसको ऐसा लगा कि अगर 20 लाख रुपए मांगेंगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपए तो इसको मिल ही जाएंगे। और इसके बाद हम ये तीनों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है और तीनों को हमने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। ठीक है सर जी, नवल आप अगर ले रहे तो आप वो आपको ये मना कर रहा हूँ, नए कोई अंकल थे जो छोड़ गया ये चले गए सर, मैं चला गया ना सर, मैंने इनसे कह दिया चले गए, इन्होंने चले गए।